तो जी आज हम बात करेंगे कि वाई डिड आई बाय स्कॉडा कुशाक, बाकी दूसरी ब्रांड्स क्यों नहीं ली हमने या क्या रीज़न रहा। तो भाई अपना मन था लेने का महिंद्रा XUV 300। तो जैसे ही हम महिंद्रा के शोरूम में गए तो भाई हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला ही नहीं उनकी तरफ से एकदम, मतलब अगर मैं रेट करना चाहूँ तो एकदम ज़ीरो। तो मतलब एक तो सबसे पहले तो भाई उनके शोरूम में XUV 300 डिस्प्ले पे लगी ही नहीं थी, और दूसरी बात वहाँ कोई हमें मतलब असिस्ट करने वाला ही नहीं था। उनके यहाँ सब ऐसे शो कर रहे थे कि बहुत बिजी हैं, जबकि एक भी कस्टमर नहीं था उनके शोरूम में। तभी भी सब अपने काम में ऐसे बिजी अपने आप को शो कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हैं ये लोग। तो भाई हम अगले दिन उनके शोरूम में एक बार दोबारा विजिट करी हमने, बट फिर भी ना ही गाड़ी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल थी और ना ही डेमो के लिए अवेलेबल थी और ना ही वहाँ पे वो लोग असिस्ट कर रहे थे। तो भाई फिर हम गए स्कॉडा के शोरूम, और जो दरवाजे की स्कॉडा की जो बिल्ड क्वालिटी है इसके डोर्स में जो थर्ड है भाई, उसने पूरा दिल जीत लिया। तो स्कॉडा से लोग पीछे इसलिए हटते हैं कि इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, बट जो इंडिया 2.0 पे ये मिशन पे हैं तो भाई इसकी इन्होंने मेंटेनेंस इतनी कम कर दी है। 16,000 रुपीज़ का पैकेज है जिसमें 4 ईयर्स की सर्विसिंग आपकी पूरी कंप्लीट इंक्लूडेड है इस पैकेज में। तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी की 4,000 में सर्विस कहाँ पे मिलती है। और एक और बड़ा कारण रहा स्कॉडा लेने का कि भाई द वे दे ट्रीटेड अस, स्कॉडा शोरूम वालों ने जिस तरह अपने को ट्रीट किया, पूरा एक एक फीचर गाड़ी का समझाया भाई, वो माइंड ब्लोइंग था एकदम। इस कार में सेफ्टी फीचर सारे हैं, मतलब आप नाम लीजिए इस कार में है, ऐसा है इसका सिस्टम। और भाई जर्मन की हैंडलिंग राइट क्वालिटी तो का तो क्या ही कहना है, वो तो फेमस है ही है। और भाई एक बात और, इस गाड़ी के मिड वेरिएंट में ही आपको सारे काम के फीचर्स अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप एंड पे ही जाना है, टॉप एंड में सिर्फ गिमिकी फीचर्स हैं अनलाइक दूसरी ब्रांड्स। हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, बट भाई उनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, 6-7-8 महीना। और XUV 700 भी ऑप्शन थी, बट महिंद्रा की तरफ से तो भाई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, और मतलब वही मन खराब हो गया था हमारा। महिंद्रा को तो हमने उसी समय टाटा बाय बाय बोल दिया था। अब भाई क्रेटा नो डाउट फीचर रिच गाड़ी है, बट उसका माइनस पॉइंट क्या है क्रेटा या सेल्टॉस दोनों का, भाई सेफ्टी रेटिंग में वहाँ मात खा जाती हैं। अभी किया सेल्टॉस का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी गाड़ी आधी कट गई थी। तो भाई एक्सीडेंट से अगर मतलब इस तरह की तुम गाड़ी बना रहे हो तो भाई हमारी सेफ्टी का क्या फिर। तो भाई हमने कोई भी दूसरी गाड़ी टेस्ट राइड ली ही नहीं, बस स्कॉडा की बिल्ड क्वालिटी देख के ही अपना दिल इतना आ गया था इस गाड़ी पे कि भाई ये ही ले ली, फाइनल कर दी एकदम। एक हफ्ते के अंदर गाड़ी डिलीवर हो गई थी अपने को। बाकी ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही जल्द आपसे शेयर करूंगा। गाड़ी 2,200 किलोमीटर चल चुकी है, बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।